press the bell icon on the YouTube app and never miss ये डोर उलझाई है, ऐसा नहीं है। इसके जो फायदे हैं लोगों को मिलने थे, ये अलग बात है कि वो फायदे नहीं मिल पाए, लेकिन बड़ी सोची समझी स्कीम थी ये। लेकिन ये स्कीम किसकी थी? क्या उस लड़की की थी जो के अपने कॉलेज में इस तरह से आई, जबकि वो बाकी आम जिंदगी में जींस पहनी होती है, टी शर्ट पहनी होती है, हमने उसकी बेशुमार पिक्चर्स देखी हैं जो इंटरनेट पे मौजूद हैं। तो ये जो तमाशा हुआ या ये जो नौटंकी हुई, ये क्या उस लड़की की तरफ से हुई? उसको तो कुछ पैसे भी दिए गए हैं किसी आपके यहाँ की किसी आई थिंक पार्टी की तरफ से, मैंने यहाँ ये भी पढ़ा है। नहीं नहीं देखिए, ये किसकी तरफ से हुई है, किसकी तरफ से नहीं हुई है, इसको आप भी जानते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और ये जानबूझकर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए किसकी तरफ से हुआ है, ये सबको पता है, पूरी मीडिया को पता है, सब लोग जानते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं। रही बात नहीं उसकी जींस की पिक्चरों की, देखिए जींस की पिक्चर तो मेरी भी बनाई जा सकती है, मेरी भी कच्छे में लोगों ने तस्वीरें बना रखी हैं। मैं 2014 में मोदी जी से मिला था, जाकर उन्होंने बुलाया था, एक मीटिंग हुई थी और वो कुछ बातें करना चाहते थे, हमसे बातें हुई हैं, मीटिंग हुई हमारी, तो उसका एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसमें लोगों ने जो है मेरा पजामा निकाल के कच्छा मुझे पहना दिया। तो ये तो एडिटिंग होती रहती है ये, इसमें देखिए इसीलिए कोर्ट भी किसी वीडियो ऑडियो और किसी फोटो को एविडेंस नहीं मानता, क्योंकि सारा एडिटिंग के ऊपर मैटर है। ये जो आपने कहा कि हमने बेशुमार उसकी फोटो जींस में देखी है, आप जैसी सुलझी हुई पत्रकार अगर इस तरह की बात करेंगी तो फिर मैं समझता हूँ फिर तो आम आदमी तो कुछ भी कह सकता है। नहीं, लेकिन आपके ख्याल से वो एडिट की हुई पिक्चर्स हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो उनकी अपनी पिक्चर्स नहीं है मुस्कान की, वो एडिट की हुई है? मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि नहीं उसी की है, अपनी अपनी राय है दोनों की। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। अच्छा, आप कह रहे हैं एडिट की हुई है, और आपके ख्याल से वो पिक्चर्स एडिट की है उन्होंने, ये जींस वगैरह नहीं पहनी? वैसे जींस पहने में कोई हरज तो नहीं, मेरा मानना है, मेरा मानना है कि जो लड़की हिजाब को लेकर अल्लाह अकबर के नारे लगाकर जज्बाती होकर इस तरह की बात कर सकती है, तो मैं समझता हूँ कि आम जिंदगी में इस तरह। और दूसरी एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा हूं और मैं अपने प्राइवेट लिबास में हूं, मेरा कोई भी लिबास हो, सर पे दाढ़ी टोपी हो या कुर्ते पैजामे में हूं या कोट पैंट में हूं, उससे उससे इसका हिजाब का क्या लेना देना? ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। दूसरी बात यह है कि हिजाब का जो मतलब होता है वो होता है कि आप जब आप अपने घर से निकलें, बीच का जो रास्ता तय कर रहे हैं आप स्कूल तक, वो उस रास्ते में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आप अपने खानदान के साथ में, अपने 10 लोगों के साथ में किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो तो प्रोटेक्शन साथ में है ही आपके। हालांकि पर्दा वहां भी है अगर शरीयत की रूह से देखें, लेकिन प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्ट करने के लिए बात कही गई हो तो प्रोटेक्शन तो है ही आपका, आपके साथ में। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बारीक चीजें हैं जिन पर बात हो सकती है, एक बाकायदा डिबेट हो सकती है कि भाई शरीयत में पर्दे की क्या अहमियत है, पर्दा कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, पर्दा कब करना चाहिए कब नहीं करना, ये सारी चीजें एक डिबेट का विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के माहौल में जिस तरह से हिजाब को बाकायदा डिबेट का विषय बनाया गया, ये उन चीजों को जानने का नाम नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, और जो होना था वो हुआ, सबने देखा, पूरी दुनिया ने। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ ही ये कि ये अपनी मर्जी होनी चाहिए कि कोई हिजाब लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, और ये तो हर मजहब में है कि कोई भी अगर पर्दा करना चाहे तो करते ही हैं और हमेशा से करते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में मैंने कहा कि यूनिफॉर्म है वहां पे नहीं होना चाहिए, और मिसयूज मैंने आपको दिखाया, इसी तरह से हिजाब करके कोई किसी का पेपर भी देकर आ सकता है, कौन पकड़ेगा? प्राण, देखिए ये काम प्रशासन का है कि भाई वो किसको किस हाल में अंदर जाने दे ना जाने दे। बाकायदा जब एग्जाम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां उनकी तलाशी नहीं ली जाती या उनको जांचा नहीं जाता कौन क्या है कैसे है, ये सब तो कहने की बातें हैं, नंबर एक। दूसरी बात यह, कुरान आपने पढ़ा होगा यकीनन, हालांकि मुझे पिछली डिबेट में जब आपने कहा कि अब तक, तो मैंने कहा कि आप मुसलमान हैं, आपने कहा अब तक तो हूं, तो मुझे
उस बात पर नहीं जाना कि अब तक तो हूं बाद में नहीं रहेंगी क्या होगा, वो आप जाने आपका काम जाने, लेकिन कुरान तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लीजिए। कुरान में लिखा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हम जितने भी मौलवी हैं, जितने भी उलमा हैं, जो दीन से वाबस्ता लोग हैं, जिस तरह से आप कटाक्ष करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं, हम सिर्फ दीन को बताते हैं, डंडा मार के उसको अप्लाई नहीं करवाते। हम नहीं कहते कि अगर आप पर्दे में नहीं रहेंगे तो हम आपको सजा देंगे, आपको जो है सजा मिलेगी, डंडे मारे जाएंगे, जेल, हम नहीं कहते उस बात को। हम तो ये कहते हैं कि कुरान ने पर्दे के बारे में ये कहा है और वो बताया जाता है, या दूसरे भी जितने पर्दे कुरान के अहकाम है, शरीयत के अहकाम है, इस्लाम ने जो कुछ बताया है, कुरान ने जो बताया है, उलमा मौलवी हजरात उन बातों को सिर्फ बताते हैं, डंडा लेके अप्लाई नहीं करवाते। कुछ लोग जो कहते हैं मियां अपनी मर्जी है, कोई करे ना करे, बिल्कुल अपनी मर्जी है, कुरान भी तो यही कह रहा है ना, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर दीन में कोई जबरदस्ती करता है तो फिर वो दीन पर काम कहाँ कर रहा है, वो तो कुरान की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नहीं, जबरदस्ती तो खैर की जाती है और मदरसे भी इसका एक बहुत बड़ा जो है वजह है कि किस तरह से बच्चों को गलत बातें सिखाई जाती हैं और उनके जहनों में एक जहर भरा जाता है किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो जो मुसलमान नहीं है। ये सिखाया जाता है कि जी जो काफिर है उनको मार दो। मेरे कई वीडियोस देखी हैं, कई यहाँ पे देखे हैं जहाँ पे सिखाया। मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, डोंट वरी, मैंने पूरी तैयारी। फिर आप वीडियो के बाद आपके यहाँ एक मिनट, आपके यहाँ कोर्ट क्या वीडियो को एविडेंस तस्लीम करता है? मेरे यहाँ तो नहीं करता। क्या मतलब, अगर वीडियो मौजूद है तो क्यों वो कोर्ट में क्यों नहीं दिया? कोर्ट एविडेंस नहीं मानता उसको, कोर्ट उसको सबूत नहीं मानता, कोर्ट नहीं मानता। आपके यहाँ का कोर्ट मानता है? क्यों नहीं मानेगा, दिखाया जाएगा तो मानेगा अगर वो ओरिजिनल है और सब है। बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि वीडियो के अंदर छेड़छाड़ की पूरी गुंजाइश है, एडिटिंग की पूरी गुंजाइश है। आवाज आपकी, बात मैं कर रहा हूं, सब कुछ हो सकता है। शक्ल आपकी, बात मेरी, सब कुछ हो सकता है। आपका चेहरा, नीचे का हिस्सा किसी और का, बिल्कुल हो सकता है। क्या कुछ नहीं हो सकता वीडियो में भाई? सर वो चेक भी हो सकता है, उसको चेक भी किया जा सकता है कि ओरिजिनल है या नहीं। आपने कराया लाल मस्जिद की वीडियो को चेक? बिल्कुल वो ओरिजिनल है, मैं आपको भेजूंगी। और उसके साथ मुझे चेक कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आप इतने दावे से इंकार कर रहे हैं। मेरी बात, लेकिन मैं उसका एक रेफरेंस दे रही थी। एक सेकंड, मैं सिर्फ रेफरेंस दे रही थी, मैं आपको बता रही हूँ मदरसों में बच्चों को गलत बातें सिखाई जा रही हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरे मजहब के लोगों से नफरत सिखाई जाती है, उन्हें मार देने का कहा जाता है और ये छोटे बच्चों के जहनों में ये जहर भरा जाता है, तो ये चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरी जवाब सुन लीजिए, पाकिस्तान में क्या होता है इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में करीब 6.5 लाख मदरसे हैं। उन 6.5 लाख मदरसों की मैं गारंटी लेता हूं, आप आइए हिंदुस्तान, मैं आपका सारा खर्च उठाता हूं, आपके वीजा से लेकर आपके टिकट से लेकर आपके यहां रहने के खर्चे तक का पूरा खर्च उठाता हूं। अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा मदरसा आप साबित करके दिखा दें जिस मदरसे में यह कहा जाता हो कि काफिर सामने आ जाए तो उसको मार दो, काफिरों को कत्ल कर दो, तो जो आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। एक मदरसा ऐसा दिखा दो। दूसरे ये कि कुरान की जिन आयतों को आप जैसे लोग कोड करते हैं वो आयतें मनसूख हैं कि नहीं, वो आयतें किन हालात के लिए हैं, वो आयतें कब थी, अब हैं या नहीं है, ये इल्मी विषय है। इल्म से जो इल्म तफसीर जानता है वो समझ सकता है इन बातों को, एक रिपोर्टर नहीं समझ सकता उस बात को क्योंकि उसको इल्म तफसीर का पता नहीं है। जैसे जर्नलिज्म एक कोर्स है, जर्नलिज्म एक पढ़ाई है, मेरे जैसा आदमी, आम आदमी जर्नलिज्म को नहीं समझ सकता, ऐसे ही इल्म तफसीर भी एक इल्म है। आप जैसा आदमी या जो इल्मे तफसीर को नहीं जानता वो नहीं समझ सकता इस आयत का मतलब क्या है, उसका शाने नुजूल क्या है, ये आयत किन हालात में नाजिल हुई, ये आयत अब नासिख है, नहीं है, मनसूख है, नहीं है,
ये सारी चीजें आलिम जानता है जो इल्म तफसीर को जानता है। आम आदमी जब उसकी तफसीर करना शुरू कर देगा तो फिर तो कुरान को गलत बयान ही करेगा, जैसा आज टीवी पर लोग कर रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।